वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल सत्येंद्र ज्ञान संसार। देखिए आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ चैप्टर, 8 चैप्टर है एनसीईआरटी से। तो इसमें सबसे पहले हम टॉपिक टू बी कवर्ड, क्या क्या टॉपिक कवर करना है उसको हम पहले यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखिए कॉमन डिसीज़ इन ह्यूमंस, इम्यूनिटी के बारे में, फिर एड्स, कैंसर और ड्रग्स एंड एल्कोहल एब्यूज़। तो ये टॉपिक हैं जिनको हमें इस चैप्टर में कवर करना है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पॉइंट्स को देखते हैं। देखिए हेल्थ फॉर ए लॉन्ग टाइम वाज कंसीडर्ड एज ए स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वाज ए बैलेंस ऑफ ए सर्टेन ह्यूमरस। दिस इज वाट अर्ली ग्रीक्स लाइक हिप्पोक्रेट्स एज वेल एज इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन एसर्टेड। तो एक लंबे समय तक स्वास्थ्य को शरीर और मन की ऐसी स्थिति माना गया था जिसमें शरीर के कुछ तरल जो ह्यूमर हैं उनका संतुलन बना रहता था। वो कंडीशन को हम हेल्थ मानते थे प्राचीन काल में लंबे समय तक। और जो प्राचीन यूनानवासी जैसे कि हिप्पोक्रेट्स थे और चिकित्सा का भारतीय आयुर्वेदिक तंत्र भी यही दावा करता था, वो भी यही बात मानता था। फिर क्या, इट वाज थॉट दैट पर्सन विथ ब्लैक वाइल बिलोंग्स टू हॉट पर्सनालिटी एंड वुड हैव फीवर्स। फिर क्या, ऐसा माना जाता था कि काले पित्त यानी कि ब्लैक बाइल वाले जो व्यक्ति हैं वो गर्म व्यक्तित्व वाले होते हैं और उन्हें बुखार होता है। दिस आइडिया वाज अराइव्ड एट बाई प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट दिस डिसऑर्डर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाई विलियम हार्वे यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मैथड एंड द डिमोस्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन पर्सन्स विथ ब्लैक बाइल यूजिंग थर्मोमीटर डिसप्रूव्ड द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस फॉर हेल्थ। तो इसके बाद इस प्रकार के निष्कर्ष का कारण मात्र जो ये विचारधारा थी। फिर इसके बाद जो विलियम हार्वे द्वारा जो प्रयोगात्मक विधि द्वारा अपनाते हुए रक्त प्रसंस्करण की खोज और थर्मामीटर का उपयोग करते हुए उन्होंने काले पित्त वाले यानी ब्लैक बाइल वाले जो व्यक्तियों के शरीर का तापमान जो प्रासामान्य दर्शाने से स्वास्थ्य के अच्छे तरल की जो कर परिकल्पना थी उसको गलत सिद्ध कर दिया इन्होंने। फिर कुछ वर्षों बाद जैविकी ने बताया कि जो हमारा बताया जैविकी ने कि इन लेटर ईयर्स कुछ समय बाद बायोलॉजी स्टेटेड दैट माइंड इन्फ्लुएंसेस थ्रू ए न्यूरल सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम अवर इम्यून सिस्टम एंड दैट अवर इम्यून सिस्टम मेंटेन अवर हेल्थ हैंस माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन इफेक्ट अवर हेल्थ ऑफ कोर्स हेल्थ इज अफेक्टेड बाई। यानी इसके बाद क्या कि इसके बाद बताया गया जैवकी ने कुछ वर्षों बाद जैवकी ने बताया कि तंत्रिका तंत्र न्यूरल सिस्टम और अंतःस्रावी तंत्र जो इंडोक्राइन सिस्टम है हमारे प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है और हमारा प्रतिरक्षा तंत्र हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखता है। इस प्रकार मन और मानसिक अवस्था हमारे स्वास्थ्य पर असर डालती है। निसंदेह ही स्वास्थ्य निम्नलिखित बातों से प्रभावित होता है। वो बातें हैं इस प्रकार से कि जेनेटिक डिसऑर्डर और इन्फेक्शंस और लाइफस्टाइल इंक्लूडिंग फूड एंड वाटर वी टेक रेस्ट एंड एक्सरसाइज वी गिव अवर बॉडीज हैबिट्स दैट वी हैव लेक एडसेक्ट। यानी जो डिसऑर्डर हैं डेफिशिएंसी विथ विच ए चाइल्ड इज बॉर्न एंड डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स विच द चाइल्ड इनहेरिट्स फ्रॉम पेरेंट्स फ्रॉम बर्थ। यानी जो जेनेटिक डिसऑर्डर हैं वे अपूर्णताएं जिनको लेकर बच्चा जन्म लेता है और वे अपूर्णताएं जो डिसऑर्डर जो बच्चे को जन्म से ही माँ बाप से वंशानुगत रूप में मिलती हैं वो जेनेटिक डिसऑर्डर कहलाते हैं। फिर इसके बाद इन्फेक्शन भी संक्रमण जो कि प्रोटोजेन से होता है बैक्टीरिया वायरस मलेरिया ये सभी इन्फेक्शंस के द्वारा हैं।
अब इसके बाद लाइफ स्टाइल की बात करते हैं तो हमारी जीवन शैली जिसमें हम खाना खाते हैं, जो हम पानी पीते हैं और जो हम शरीर को विश्राम देते हैं, रेस्ट देते हैं और जो हम व्यायाम करते हैं, वे हमारे भीतर हैं और जिनकी हम में कमी है ये सब चीज़ें उसमें शामिल हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके आगे, अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ क्या, वास्तव में हेल्थ क्या होता है? द टर्म हेल्थ इज़ वेरी फ्रिक्वेंटली यूज बाई एवरीबडी। हाउ डू वी डिफाइन इट? हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन्स अब्सेंस ऑफ डिसीज एंड फिजिकल फिटनेस। इट कुड बी डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हम सभी स्वास्थ्य का प्रयोग बहुत ही धड़ल्ले से करते चले आ रहे हैं। इसकी वास्तव में परिभाषा क्या है? अगर हम स्वास्थ्य का अर्थ मात्र रोग की अनुपस्थिति और शारीरिक स्वस्थता नहीं है, यानी कोई भी रोग नहीं है और शारीरिक स्वस्थता नहीं है, इसको हम स्वास्थ्य नहीं कहेंगे। इसे पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि when people are healthy they are more efficient at work, this increase productivity and bring economic prosperity. Health also increases longevity of people and reduces infant and maternal mortality. देखिए, तो अब हम बात कर रहे हैं कि जब लोग स्वस्थ होते हैं तो वे काम में, अपने काम में अधिक सक्षम होते हैं, यानी उनकी उत्पादकता जो होती है वो बढ़ती है और आर्थिक संपन्नता आती है। स्वास्थ्य से लोगों का आयु काल बढ़ता है और शिशु एवं मातृ जो मृत्यु दर है उसमें कमी आती है। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं। देखिए, बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन्स एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ। योगा हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड सिंस टाइम इमेमोरियल टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, अवेयरनेस अबाउट डिसीज एंड देयर इफेक्ट ऑफ डिफरेंट बॉडीज इन्फेक्शंस, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शन डिसीज, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन्स, फूड एंड वाटर रिसोर्सेज एंड नेसेसरी फॉर अचीविंग गुड हेल्थ। देखिए, जो बैलेंस डाइट और अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए जो हम संतुलित आहार लेते हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता जो हम अपनाते हैं और नियमित व्यायाम हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पाने के लिए अति प्राचीन काल से योग का अभ्यास किया जा रहा है। रोग और शरीर के विभिन्न प्रकारों पर उनके प्रभाव के बारे में जागरूकता, संक्रामक रोगों के प्रति टीकाकरण और अपशिष्ट जो वेस्ट होते हैं उनका समुचित निपटान, रोगवाहक जो वेक्टर्स हैं उनका नियंत्रण, खाने और पाने के संसाधनों का स्वच्छ रखरखाव अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब हम बात करते हैं इन्फेक्शस और नॉन इन्फेक्शस डिसीज़ के बारे में। तो देखिए, व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स ऑफ सिस्टम ऑफ द बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड एंड करेक्टराइज बाई वेरियस साइन एंड सिम्टम्स, वी से दैट वी आर नॉट हेल्दी, वी हैव ए डिसीज। डिसीज कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इंटू इन्फेक्शस एंड नॉन इन्फेक्शस डिसीज, विच आर ईजली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड इन्फेक्शस डिसीजेज, एंड इन्फेक्शन डिसीजेज आर वेरी कॉमन एंड एवरी वन ऑफ सफर्स फ्रॉम दीज एट सम टाइम of others of the infection disease, and like AIDS are fatal, and among the non-infectious disease cancer is the major cause of death. Drug and alcohol abuse also affect our health adversely. तो जो infectious disease का मतलब है संक्रामक रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचरित हो जाते हैं वो infectious disease या संक्रामक रोग होते हैं, जिसमें कि चिकन पॉक्स है, ठीक है, कॉमन कोल्ड है, एड्स आ जाते हैं, और नॉन इन्फेक्टिव डिसीज़ में अस्थमा, डायबिटीज़ और कैंसर आ जाते हैं। तो यानी कि ये जब शरीर के एक या अधिक अंगों या तंत्रों के प्रकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो बहुत ही लक्षण, विभिन्न प्रकार के लक्षण और चिन्ह प्रकट होते हैं
और जो कि हमें रोग पता चलता है कि हमें रोग हो गया है। तो नशीले पदार्थ और ड्रग अल्कोहल का भी कुप्रयोग हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो एड्स होता है इन्फेक्शस डिसीज़ में और नॉन इन्फेक्टिव डिसीज़ में कैंसर आता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।